हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम बनाएंगे कुकीज़, वो भी हम इसे इडली के कुकर में बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप मैदे को बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के साथ अच्छी तरह से छान लेंगे और एक साइड में रख देंगे। और यहाँ पर 1/2 कप मैंने बटर यूज़ किया है, यहाँ पर सॉल्टेड बटर यूज़ किया है मैंने। अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3/4 कप जो है चीनी यूज़ करेंगे और दोनों को अच्छी तरह से क्रीमी होने तक फेंट लेंगे। उसी के साथ यहाँ पर कुछ बूंदे जो हैं हम वनीला एसेंस के ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है चीनी और बटर का क्रीमी हो चुका है। और हमने जो ये मैदा छान के रखा था अब उसे ऐड कर देंगे और धीरे धीरे हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। आप यहाँ घी का भी यूज कर सकते हो। तो कुकी के डो को जो है हमें बहुत ही हल्का हल्का मिक्स करते हुए बनाना है। तो ये देखिए क्रमली हो चुका है मिक्सचर। अब यहाँ पर डो को बाइंड देने के लिए हम 2 टेबलस्पून दूध ऐड कर देंगे। दूध जो है चिल्ड होना चाहिए। ये देखिए हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 टाइप के कुकीज बना रही हूँ, एक चॉको चिप के साथ। तो मैंने आधा मिक्सचर अलग निकाल दिया है और आधे मिक्सचर में मैंने इस तरह से चॉको चिप डालकर कुकीज बना ली है। यहाँ पर मैंने ग्रेप्स का जो जैम होता है, ब्लैक ग्रेप्स वाला, उसको यूज किया है। इसकी रेसिपी चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो बस 1 टेबलस्पून यहाँ पर जैम ऐड कर देंगे और इस तरह से कुकीज बना लेंगे। इन कुकीज का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, आप भी इस तरह से एक बार जरूर बनाइए जैम कुकीज। तो अब इडली कुकर के जो प्लेट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा बटर पेपर रख देंगे ताकि हमारे कुकीज नीचे चिपके ना। और प्री हीटेड इडली कुकर में जो है हम इस कुकीज को रख देंगे और बेक होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ध्यान रखें क्योंकि ये इडली कुकर है, नीचे की जो लेयर है सबसे पहले बेक हो जाएगी। तो एक बार 15 से 20 मिनट के बाद आप चेक जरूर करना। दोनों भी कुकीज अच्छी तरह से बेक हो चुकी हैं। हमारी बेकरी स्टाइल वाली जैम और चॉको चिप की कुकीज रेडी हैं। आप भी इस तरह से इडली कुकर में बना सकते हैं, ओवन की भी जरूरत नहीं है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सेव जरूर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।